एक तरफ भाजपा ने बिहार में वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी पौत्रवधू के अपमान का मामला सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पौत्रवधू पुष्पा सिंह को प्रशासन ने घर में नज़रबंद कर दिया, उन्हें मल्यार्पण से भी रोक दिया गया। यह गंभीर आरोप खुद पुष्पा सिंह ने लगाया है। देखिए वीडियो क्या कुछ पुष्पा सिंह कह रही हैं। आज 23 अप्रैल है, वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि आज अमित शाह जी आने वाले हैं। लेकिन मैं वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू हूँ और आज हमारा किला जो है मुख्य दरवाज़ा का गेट जो है सील कर दिया गया है, मुझे मल्यार्पण के लिए भी रोका जा रहा है। सारे नेता आकर मेरे पैर चूमे, SP तक मेरे पैर चूमे कि माता जी शांत रहिए, मैं आपको न्याय दिलाऊँगा। लेकिन मैं सरकार से और पूरे देशवासियों से ये पूछना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस परिवार की पौत्र वधू पुष्पा सिंह का बेटा की हत्या जो है, वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, क्या उसको लेपापोती करने के लिए नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे गेट को बंद कर दिए हैं ताकि मैं मल्यार्पण करने से वंचित रहूँ, ताकि प्रशासन का भेद अमित शाह जी के सामने नहीं खुल जाए, ये उनकी मंशा साफ नहीं है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि वीर कुंवर सिंह किसी जाति विशेष के नहीं थे, पूरे देश के लिए लड़े थे। आज उन्हीं की पौत्र वधु को एक मल्यार्पण करने से उनके गेट को सील कर दिया गया है ताकि वो जाकर मल्यार्पण नहीं करे, ये तो बहाना है। मैं हर साल मल्यार्पण करती हूँ वहाँ जा करके, मेरे पुत्र की हत्या भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है, तभी भी मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं अपने दादाजी को मल्यार्पण करूं, लेकिन मल्यार्पण करने से मुझे रोका गया है। ये देख सकते हैं पीछे में कि मेरे दरवाजे का गेट बंद कर दिया गया, जबकि हमको सुरक्षा में एक महिला पुलिस और बॉडीगार्ड मिला हुआ है। मुझे नहीं पता है कि 23 तक मिला है कि आगे मिला है। मैं पूरे भारतवासियों से आह्वान करती हूँ, मुझे न्याय देना चाहिए। देखिए इन लोगों के अंदर कितना चोर घुसा हुआ है, जान रहे हैं कि बबलू सिंह की हत्या प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। इसके पहले भी मैं बहुत हजारों आवेदन DM, SP, DGP, मुख्यमंत्री अश्विनी चौबे, पार्टी कार्यालय में, मीडिया में, मेरा बबलू आवाज़ उठाते रहा है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। सारे नेतागण और प्रशासनगण जो है वो अपना पोल नहीं खुले, मुझे मल्यार्पण करने से रोक रहे हैं। इसमें पूरा भारतवासियों से जाति और धर्म से उठ कर करके सबसे आज न्याय का गुहार करती हूँ। ये वीडियो वायरल हो रहा है और आप लोग मुझे न्याय देने के लिए और अपना सही मंतव्य जो है इस पर भेजिए, मैं आप लोगों के सदा आभारी रहूंगी, ताकि मेरे पुत्र बबलू सिंह की हत्या के बाद ये लोग सारा जो है प्रशासन लोग मेरा लिपापोती कर देंगे। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह के प्रपोत्र की 28 अप्रैल को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उन्होंने जगदीशपुर के रेफरल अस्पताल में अपना दम तोड़ा। 45 साल के कुंवर रोहित सिंह उर्फ बबलू सिंह जगदीशपुर नगर के वार्ड संख्या 18 निवासी स्वर्गीय कुंवर विजय सिंह के बेटे थे। मौत की सूचना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। मृतक की मां पुष्पा सिंह ने पुलिस की पिटाई से बेटे की मौत का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, मेरे बेटे की हत्या हुई है, कार्रवाई नहीं हुई तो देश हिल जाएगा। तब रोहित की मां ने PM मोदी और नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई थी। तब पुलिस ने हत्या की गुलथी सुलझाने का दावा करते हुए कहा था कि रोहित की मौत सिपाहियों की पिटाई से हुई थी। SP विनय तिवारी ने बताया था कि मारपीट के बाद रोहित इलाज करवाने आधी रात अस्पताल पहुँचे थे। स्थिति गंभीर होने के बाद भी डॉक्टर ने अकेले होने के कारण रेफर नहीं किया। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।